मैडनेस की शुरुआत हो चुकी है, हमारी मालकिन बैठ चुकी है, तो शुरू करते हैं। मैडनेस बचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे। आज के जो हमारे गेस्ट है ना, मतलब 2005 तक मेरा जो है अंडरटेकर फेवरेट था, और उसके बाद से वो मेरे फेवरेट हो गए थे। द फर्स्ट हैवीवेट चैंपियन ऑफ इंडिया इन WWE, प्लीज वेलकम द ग्रेट खली। सर मैं यही बता रहा था कि 2005 तक अंडरटेकर हम सबका फेवरेट था। अच्छा। फिर 2006 में सर एक आदमी आया जिसको अंडरटेकर ने यूं देखा। पहली बार अंडरटेकर पहली बार अंडर प्रेशर था। उस बंदे का नाम है द ग्रेट खली। प्लीज एक बार थैंक यू। अरे सर थोड़ा ना बाहर पड़ रहा है। सर आप दो तीन बार यूं करोगे, मैं यूं। ओ भाई। मेरी मम्मी को मैंने बताया कि आप आ रहे हो तो हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, थोड़ा टांकी चाई करेंगे, कह रहे रहन दो। मैंने कहा क्यों? कह रहे हमारे अंदर दूसरा बेटा पैदा करने की अब हिम्मत नहीं। सही बता रहा हूँ सर। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब खाली सर WWE के रिंग में जाते थे अलग ही माहौल होता था। बाकी लोग मतलब रे मिस्टीरियो करके था ना सर, एक वो छोटी हाइट वाला, वो एक बार रिंग से इनके ऊपर कूद गया था और गायब हो गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पजामे की जेब से निकाल दिया। है सर ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, पजामे की जेब से कई बंदे निकले हैं। मतलब लोग रेसलिंग में यू मारते, इन्होंने अंडरटेकर को बीच से खोल दिया भाई। यू मारा मतलब पहली बार अंडरटेकर को उस रिंग के अंदर पंजाबी में गालियां सुनाई दी। उस टाइम क्योंकि मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, अब तो थोड़ी बहुत बोल लेता, उल्टी सीधी वो इंग्लिश बोलते थे, मैं पंजाबी बोलता था, मतलब हिंदी बोलता था, तो बड़ा मजा आता था। फिल्म के डायलॉग बोलता था, ऊंची ऊंची गाली देता था। उसके बाद क्या है कि भी मतलब उन्होंने ना फाइंड आउट किया, मतलब कि भी साल दो साल के बाद पंजाबी में बड़ी भयंकर भयंकर गाली देता है, मतलब उन्हें ट्रांसलेटर करके देखा, मतलब कि भाई मतलब आप ये गाली मत देना कहते। सर हमें बहुत प्राउड है कि आप ग्रेट खली और इंडिया से बिलोंग करते हो। सर क्या बात है, एक बार राउंड ऑफ अप्लॉज ग्रेट खली सर के लिए। सर प्लीज आइए बैठिए, एक हाथ में तीन चार आप, मैं तो कह रहा हूँ कट्ठे आशीर्वाद दे दो आठों को। ए तुमने बोला बिठाए कि बिठाओ, तो वो बैठे ही है। आपके ऊपर बैठ जाओ क्या? सर एक फाइट हो गया आज, हम आप करवाएंगे, हमारा ये बलि का बकरा है, जो भी काम हमें नहीं करना होता इससे करवाते हैं। फिर आपने बोलना कि दूसरा एक और रे मिस्टीरियो जेब से निकाल। आपकी बात सुन के उसकी पैंट गीली होगी, यूं बैठा हुआ दिखाने। पहली बार आज हुमा जी के बगल में कोई उन्हीं का टक्कर का बैठा है, देख। थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा ऑनर सा फील हो रहा है आज हम लोग को कि खाली सर के आगे हम स्टैंड अप करने जा रहे हैं। हुमा मम्मी है ना, बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा हो जाता है, नजर ना लगे इसलिए छोटे बच्चों को काला टीका लगा देती है, बच्चे कम चेस बोर्ड ज्यादा लगते हैं वो। कितना पोसेसिव हो जाती है मम्मियां, और यही पोसेसिवनेस मम्मियों की बताने के लिए आज का स्टैंड अप लेके आ रहे हैं स्वयं हर्ष गुजराल। मुंबई आए हुए सर थोड़ा टाइम हो गया मेरे को, दो तीन हफ्ते हो गए जब से मैं मुंबई आया हूँ, मम्मी भी थोड़ी पॉजिटिव हो गई है। एक्चुअली क्या है कि मेरा शो अब टीवी पे आ रहा है, आप लोग का शो है जो ये टीवी पे आ रहा है, तो मम्मी चाहती कि एक भी एड इस शो का मिस ना हो, तो पूरा दिन हमारे घर पे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चलता है, पूरा दिन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन चला। इस चक्कर में मेरी माँ 8-8 घंटे क्राइम पेट्रोल देखी जा रही है। 8-8 घंटे आप समझ रहे हो, रेगुलर मतलब थ्रू आउट क्राइम पेट्रोल चल रहा है। मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मम्मी कैसे हो, कह रही सावधान है सतर्क है। मैंने कहा हुआ क्या है मेरी माँ को ना, मतलब क्या बात होगी, मैं पहुंचा हूँ घर मिलने के लिए, मैं घंटी बजा रहा हूँ गेट ही नहीं खोल रही, मैं फिर घंटे गेट नहीं खोली, कह रही कौन, मैंने कहा मैं आपका बेटा, कह रही मेरा बेटा कौन, मैंने कहा हर्ष, कह रही इस आवाज का मेरा कोई बेटा नहीं। आवाज का इस नाम का तो है आपका बेटा, मैंने कहा मैं गेट तोड़ दूंगा मम्मी खोल दो, कह रही नहीं वो तो CID का दया तोड़ता है ना। सोनी सोनी मतलब समझ नहीं आता, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ मम्मी यहाँ से, मैं अपने वापस मुंबई जा रहा हूँ, कह रही ठीक है बेटा, अंदर से बोल रही सावधान रहो सतर्क। उनके दिमाग में चढ़ गया, मुझे लगता अगर ऐसे ही चलता रहा ना अगले करवा चौथ तक ना मेरी मम्मी ना पापा के हाथ से पानी नहीं पिएंगे कि इस आदमी ने जहर मिला रखा होगा, इतनी शक्की हो गई है।
और जैसी मम्मी की हरकतें हो सकता है पापा ने मिला भी रखा हो। कितना पोजेसिव होती है मम्मी, मैंने ये देखा है। मम्मी हर 5 मिनट मुझे फोन करती है, जब से ये कॉलें फ्री हुई है। प्लेन लैंड किया है वहां पे, पायलट ने अभी कुछ अनाउंस नहीं किया, मेरी माँ का फोन आ गया, तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था। मैंने कहा मम्मी ऊपर नेटवर्क नहीं था, कह रहे हमारे 3rd फ्लोर पे तो आ जाता है। मेरी माँ का एक रूल है कि घर में खाओ, बाहर कुछ नहीं खाना। हम इतने डरे रहते अपनी माँ से, बाहर का खाना भी घर में लाके खाते कि घर में ही खाएंगे। मम्मी कहती है अब तो तुम्हारी मुंबई में हुमा जी से जान पहचान हो गई है, उनके घर जाके खा लिया करो। मैंने कहा जान पहचान हो गई, अब तो प्यार हो गया हमारा आपस में भाई, अब तो। और इनके घर जाके कौन खाएगा, ये तो खुद ही बाहर खड़ी होकर दाल चावल हाथ में पकड़ के खा रही होती है। नहीं मैं सच बता रहा हूँ, मैंने देखा, मैंने इनसे बोला मुझे दिल्ली में आपके जो पापा की ब्रांच है सलीम्स उस पे खाने जाना, केरी मेरा नाम लेना 10% मिलेगा ऑफ, ये घर की इकलौती बेटी है, मेरे नाम पे वहाँ 20% मिल रहा है। और पिताजी का अलग ही है सर, पापा अलग ही हैं। पापा को आप बाहर कहीं भी खाने खिलाने ले जाओ, कुछ भी खाना वाना आराम से खा लेंगे, डकार मार लेंगे। उसके बाद जब बिल आएगा कह लेंगे 950 रुपये का पनीर, 950 रुपये में पूरा मोहल्ला पनीर खा ले, 950 रुपये में पनीर की उल्टियाँ कर दे, 250 रुपये पनीर में इतना दूध नहीं आया पूरा ये हो जाए। मैं कहता हूँ माफ़ कर दो पापा, उनसे गलती होगी रेस्टोरेंट खोल के, मैं उनकी तरफ से आपसे हाथ जोड़ता हूँ। बहुत पॉजिटिव है। एक दिन मम्मी का फोन आया मुझे, अचानक से फोन किया, कह रही वो तेरी चिंता हो रही। मैंने क्या हो गया, कह रहे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मैंने कहा मुझे तो आवाज़ नहीं आई, कह रही युगांडा में बॉम्ब फटा है। कितना ही फुद्दू बेटा आपने पैदा कर दिया कि युगांडा में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और मुंबई में हिल जाऊंगा मैं। कह रही माँ की ममता पे शक करता है। मैंने कहा मैं माँ के लॉजिक पे तो शक कर सकता हूँ। इंडियन मम्मियों को लगता है कि उनके बेटे की पूरे देश ने सुपारी दे रखी, पूरी देश ने सुपारी दे रखी। आप कैब के अंदर बैठो, इनको लगता है कि वो जो कैब वाला है वो बेल्ट गले में ना लगा दे। हाँ सही बता रहा हूँ, कानपुर में भूकंप आया हम दिल्ली में हिल जाएंगे। मतलब इतनी चीजें बोलने के बाद मेरी माँ फोन पे कहती है कि बेटा मैं तो हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रहती हूँ, कभी नेगेटिव मत सोचना। मेरा मन करता है युगांडा चला जाओ, उसी बॉम्ब में ब्लास्ट हो जाओ मैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब मेरा पूरा ये मैडनेस मचाएंगे के सीजन खत्म हो जाएगा तो मैं खुद घर जाऊंगा, अपने हाथ से अपने मम्मी पापा के लिए पनीर बनाऊंगा, और मम्मी तो घर का ही खाती है इसलिए बना दूंगा, और पिताजी ये बोलेंगे कि 150 रुपये में पूरा मोहल्ला पनीर खा के जाऊंगा। थैंक यू सो मच, माय नेम इज हर्ष गुजराल। थैंक यू सर। बस मैं खुद ही सर होस्ट हूँ तो मैं खुद ही पूछता हूँ खाली सर, सही लगा, अच्छा था सर? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। जो माँ है हमेशा मतलब सोचती रहती है, मतलब कोई भी जैसे आपने बताया ना घटना कहीं हो रही है और सोचते कि पता नहीं मेरा बेटा वहाँ ही होना है। दूसरी बात जो आपने बताया कि आप फादर बोल रहे हैं आपके कि भी 900 का इसमें तो पूरा मोहल्ला खाया जाता है, वो सर हर घर में होता है सर। ऐसे ही मतलब हमारे भी जो मैंने ढाबा खोला है अभी, अरे हाँ ग्रेट खाली ढाबा खोला है, ग्रेट खाली ढाबा खुल गया भाई, तो वहाँ पर भी खा पी के बोलते यार ये मतलब यू नो ये पनीर थोड़ा महंगा लगा है। सर जैसे इनके रेस्टोरेंट में इनके नाम पे 10% ऑफ मिलता है तो आपके रेस्टोरेंट में सर क्या मिल जाएगा हम लोग को? आप लोग आइए, आप लोगों से फ्री है, कंफर्टेबल लो आप, ये पंजाब हवन करेंगे, ये बात सिर्फ पंजाबी कर सकते हैं। खली सर देखो आपने अभी ढाबा खोला है, मेरे पापा का रेस्टोरेंट अभी ऑलमोस्ट 50 साल हो जाएंगे उसको, तो एज अ सीनियर मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगी कि फ्री में खाना नहीं देना चाहिए कभी भी। मैं अपने बॉर्ड वापस लेता हूँ फिर, मतलब क्योंकि सीनियर सीनियर की बात तो माननी पड़ेगी। मतलब सर यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है, हाँ जी हाँ जी, मैन विल बी मैन। क्या किसी लड़की ने बोला फिसल गए। तो मैंने सुना है खली पाजी अगर एक दिन खाना ना खाए तो 5 लाख रुपए बचते हैं उनके, और उनकी जो वाइफ है अगर उनको कोई गिफ्ट चाहिए होता है तो एक दिन का फास्ट रखवा देती है उनको, उससे उनके सारे गिफ्ट आ जाते हैं।
और हमें ये बात एक बंदे ने बताई है सर, और उसका बहुत बड़ा हाथ है आपको यहाँ तक लेके आने में, उस मुकाम तक लेके आने में. तो बुला लेते हैं उस बंदे को. प्लीज वेलकम ऑन स्टेज सिद्धार्थ एस खली सर, ट्रेनर. आर्टिस्ट जैसी ऑडियंस बैठी है और ऑडियंस जैसे आर्टिस्ट. वैसे आप सबको बता दूं आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ. खली पाजी के लिए आया हूँ मैं. खली पाजी आपने मुझे पहचाना? अब नहीं. मैं आपको बता दूं, पहले तो पाजी पैरी पौना पाजी, एक मिनट, पौना तो मेरा पैर है, आपका फूल है. पैरी फूल पाजी. अरे वाह पाजी, पैरों में नाव पहन के आ गए. मैं पाजी के अंडे बेचने वाला हूँ. नहीं, मुर्गी के अंडे पाजी को बेचने वाला हूँ. मैंने पिछले 15 साल से पाजी को अंडे खिलाए हैं. मुर्गी के अंडे मैं खिला रहा हूँ. 80 लाख रुपए का उधार बन चुका है इनका मेरे ऊपर. लेकिन मैं अकेले मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया कभी. कभी मेरी हिम्मत नहीं. मैंने एक दिन कहा, मैंने हिम्मत करके गया, मैं कहा पाजी मेरे पैसे वापस करो. तो मेरे को जेब में बिठा के कहते हाँ बोल क्या कह रहा था. मैं कहा पाजी आपका दिल बहुत बड़ा है. मैं कहा पाजी मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैं अपने पूरे पूरे पैसे वापस लूंगा. मुझे पता कोई तो होगा जिसने अपनी माँ का दूध पिया होगा जो मुझे बचाएगा. लेकिन खली पाजी का मैं बता दूं, अंडे खाने के इतने शौकीन थे, मुर्गियों में दहशत थी इनकी. इतनी एक मुर्गी इतनी गधी, वो घबराहट के मारे भैंस का कॉस्ट्यूम पहन के निकली बाहर. ऐसे धीरे धीरे जा रही थी, खली पाजी ने देख लिया. उसको पता ही नहीं था ये दूध के भी शौकीन है. इन्होंने उसको पकड़ लिया, उन्हें दूध निकालना शुरू किया, उसने फिर अंडे दे दिए. एक घर ले गए, कहते ओ यार मजा आ गया वीरे, अंडे देने वाली भैंस ले आए हो. मैं क्या बताऊं, पाजी अंडे के इतने चटोरे रहे हैं. भाई साहब एक दिन पहली बार उन्होंने मुझे कहा, कहते मैं यार अब मैं बात बताना चाहता हूँ वीरे, रोज के मैं 80 अंडे नहीं खा सकता. मुझे अब मैं आई जस्ट मैनेज, मैं एक दो अंडे खाना चाहता हूँ. मैंने कहा ये वेरी गुड डिसीजन. कहते बस पता कर वीरे, कोई हाथी है जो अंडे देता हो? मैं कहा पाजी वैसे देता तो नहीं है, लेकिन आप सूंड दबा के पूछो तो क्या पता दे भी दे. क्योंकि पहली बार आपने मेरा गलत दबा के पूछा था, 2 अंडे मैंने दिए थे. और मैं पाजी का ड्राइवर भी रहा हूँ, गाड़ी भी बहुत चलाई. और सबसे बड़ी बात इनकी गाड़ी की खासियत पता क्या, पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं होती. ये गाड़ी के पीछे जाता है, कहते हैं ओ गाड़ी अपने आप 8 किलोमीटर आगे जाती है गाड़ी. मगर पाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं. एक दिन मुझे कहते वीरे आ मेरे साथ नहाने चल. मैंने कहा मैं नहाने चलूं क्यों? कह रहे यार मैं नहाने जाता हूँ ना, अंदर कोई आदमी है उसको देख के मुझे बड़ा डर लगता है. मैंने बाथरूम से शीशा बाहर निकाल दिया. कहते यार तूने मेरा बहुत बड़ा काम करा, चल आ नहाने चल. मैं कहा अब क्यों नहाने चलूं? कहते देख आदमी तो बहाना था, मुझे तेरे से अपनी पीठ पर साबुन लगवाना था. कहते मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया, जब मैंने तेरे को गाड़ी धोते हुए देखा ना, मैंने कहा यही मुझे धो सकता है. उस दिन मैं गुस्से में घर छोड़ के चला गया. मैं कहा पाजी मुझे बात नहीं करनी, ये पीछे पीछे आ रहे. मैं कहा मुझे नहीं करनी बात. अरे मेरी बात नहीं. इतने में मेरे को बोले, कहते अच्छा मुझे बस जाते थे इतना बता दे, वो सूंड दबा के जो हाथी अंडे देता वो कहाँ मिलेगा. मैं कहा पाजी फिर आप कोई बातें करो, आप चलो मेरे साथ US चलो, वहाँ पे कुश्ती लड़ो या करके आओ वहाँ पे जाओ किसी अंडे के करो पता चले. मगर चलो मेरे साथ. लेकिन गए क्या, इन्होंने US में लड़ाई करी अंडरटेकर को करके पटका, क्या बैंड बजाया, इतने नाम शोहरत, फिर भी उदास थे. मैं कहा उदास क्यों पाजी? कहते यार सब कुछ हासिल कर लिया, सूंड दबा के हाथी नहीं मिला जिसके अंडा निकल जाए. मैंने कहा पाजी एक काम करो, आप ये अंडा लो, आप अंडा दबाओ, क्या पता सूंड निकल आए. लेकिन पाजी उस दिन निराश हो गए. उस दिन ये मेरे पैसे बिना दिए चले गए, और आज मैं अपने पैसे लेके रहूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे आज दो दो हाथ क्यों ना हो जाए. खली पाजी मैं डरता नहीं हूँ. मैं बता रहा हूँ आज मैं अपने पैसे लेके जाऊंगा, मारो मुझे. मारो ना. आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ. मैं कह रहा हूँ आओ पाजी.
घर का पता है किसी के पास? पाजी एक मिनट, दो मिनट, पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं जरा वार्म अप कर लूं। मैं आपको बताऊं पाजी, लड़ाई शुरू करने से पहले लड़ाई के कुछ रूल्स हैं। अच्छा। पहले तो कोई किसी को हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा। और दूसरा, जान से मारना फाउल है। हम लड़ाई करेंगे, मैं पहले वार्म अप करूंगा। रेडी? हाँ रेडी। मारो, मतलब किसी को मारो। किसको? खबरदार, मैं बता रहा हूँ, मैं लाश बन जाऊंगा, बाद में कहना नहीं अकड़ के दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ पाजी, और जहाँ तक मारा नहीं अभी। नहीं, मुझे पता है मारा नहीं है, लेकिन मैं आपको पता क्या कह रहा था। I love you। पाजी मेरी गाइस, पाजी क्या क्या जाए पाजी, मेरी पाजी की जूड़ पकड़ी पाजी, पाजी पाजी पैरी पोना पाजी, बोले अंडरटेकर खोल दो बीच से, कितने अंडे निकालने हैं? नहीं मैं भी निकालने निकालने, दस दस हमें दो ये बस दो। जिस चीज में अंडे निकालने हैं निकालो, इससे अंडे अब। कोई बात नहीं, ठीक हो गया। अंडे क्या? मैं ठीक हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं बता रहा हूँ। और अंडे निकालने क्या? नहीं, नहीं पाजी। सर इसको मारोगे मेरे निकल जाएंगे। भाई कोई डॉक्टर वॉक्टर बुलवा दो, चेक करवा दो। सिद्धार्थ तो ठीक है ना? एकदम ठीक है। मैं देखना चाहता था इनके घूंसे में ज्यादा दम है या मेरे गॉल ब्लैडर में। खाली सर, परफॉर्मेंस वाइज कैसा लगा आपको? बहुत ही शानदार लगा। क्या बात है, थैंक यू। बहुत मजा आया, बहुत हंसाया आपने हमको। बट मतलब ये एक्ट करने के लिए मैं आपको डबल सलूट देना चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और क्या परफॉर्मेंस थी, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ भाई। प्लीज बैठिए, थैंक यू भाई, संभालिए। ठीक है भाई, सर्वर सर मैं आपको पता नहीं कि मैंने खाली सर के साथ एक फ्लाइट में ट्रैवल किया था, तो सर आप जनरली पहली सीट लेते हैं, मेरे को जहाँ तक पता है ना, 1A 1B 1C पे बैठते हैं। भाई साहब मैं साथ में इधर बैठा हुआ था 1D या 1E पे, पैर सर का ऑलमोस्ट कॉकपिट में था। मैं बता मैं बता रहा हूँ, जब ये घुसे एयर होस्टेस ने बोला बोर्डिंग कंप्लीट, अब कोई नहीं आ सकता। सर बता रहा हूँ, पीछे लोगों को सुसु आ रही थी, वो डर के मारे नहीं कि आपको पार करके जाना पड़ेगा, ये सुसु वो तो फिर कर लेंगे, आता ही रहता। बिल्कुल सही बताया आपने। सर आपका ऐसा एक्सपीरियंस कभी, लाइव एक्सपीरियंस कभी ऐसा? या होता ही है, मेरी टांगे बहुत मतलब लंबी है, तो मैं थोड़ा मोस्टली आगे बैठता हूँ, तो कई बार मतलब गोड्डे ठोको, या जब वो बीच से निकालते ना वो ट्रेली जैसी खाने वाले की, खाने वाली की, तो जब तो मैं उठा होता है ना तब तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, जब कभी मुंह खोल के सुता होता तो ठोकी होती है कई बार गोटा, फिर अच्छा है। उधर ट्रैफिक लग जाता है। क्या बात है सर, जो भी बात कर रहे हैं, पंजाबी इंग्लिश हिंदी सब मिला जुला के इतनी स्वीट है। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ग्रेट खाली सर। मैडनेस मच रही है, मैडनेस मचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उमा मैं आपको ना मालकिन मालकिन कहता रहता हूँ, लेकिन आप आलसी बहुत हो। और क्या, ये फिल्में इल्में छोड़ के टीवी करने आ गए हो? भाई पैसा माल मिलता है, माल भाई मैं कह रहा हूँ ना, पैसे बैठे पैसे आ जाए, बस मेहनत ना करनी पड़े। शौक लग रहा है ना आपको, इस बात पे शौक लग रहा है ना? हाँ। थोड़ा सा लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे घूर के मत देखो, बस ऑनेस्ट होने की एक्टिंग कर रहा था मैं। आप सोचो अगर यही ऑनेस्टी एक बॉस और एक एम्प्लॉय के बीच में अगर आ जाए तो क्या होगा, वही होगा जो ऑनेस्ट केतन और ऑनेस्ट कुशल के बीच में होने वाला है। प्लीज वेलकम कुशल एंड केतन। ओ माय गॉड, ये सीरीज तो खत्म हो गई। महारानी 3 binge watched।
लेकिन अब तो मैं फ्री हो गया. See, listen, I'm free. जरा अगले कैंडिडेट को भेजना तो इंटरव्यू के लिए, प्लीज. हाँ, वो इंटरव्यू के लिए आएगा तो मैं कुर्सी ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे बैठ जाता हूँ और ऐसा एटीट्यूड दूंगा कि उसको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला बॉस हूँ. तरह सहमा आएगा. अगर किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया तो बात घुमा दूंगा. एक्सक्यूज मी, आई थिंक सर्टनली पॉसिबल. ऐसे कुछ बोल के ऐसे इम्पैक्ट मारूंगा कि मुझे इंग्लिश बहुत बढ़िया आती है. बस पप्पा. एक्सक्यूज मी सर. मैं आए बैठू. I must say, आपकी इंग्लिश इज ये दिखा रहा हूँ, जीरो. शुक्रिया सर. बैठ जाओ सर. आइए आइए. जी सर, कभी कभी नर्वस हो जाता हूँ तो इंग्लिश आ जाती है. आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे अपना दोस्त समझिए. अरे केतन भाई, 5,000 रुपया दो यार, वाट लग गया पूरा मालूम. ऐसा हालत हो गया ना. आप मुझे अपना बॉस ही समझिए. एक्चुअली सर, आप मुझे नौकरी देने वाले हो इसलिए, वरना सर आपकी शक्ल देखकर मुझे एकदम घिन आ जाती है सर, सच. आपकी भी ऐसे चप्पल छाप शक्ल जब मैंने देखी तो मेरा मन अंदर से मर गया. ओह सर, सेम ईयर सर, सेम ईयर सर. ये मेरा राम से बंधु. ये क्या ली? रेज्यूमे. हाँ वही सर. तो मैं कुछ देर आपके रेज्यूमे को पढ़ने की फालतू एक्टिंग करता हूँ, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ नहीं. बाय दैट टाइम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, जिसे सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. जी जी सर, इंट्रोडक्शन देने के तरीका कुछ है नहीं. मतलब मेरा नाम है, पिताजी का नाम है, 10वीं 12वीं मैंने कहाँ से की है वो लिखा है, लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया है नहीं. बाकी और ये जो है, मैंने मलाड स्टेशन से अभी आते आते बनवाया सर. So listen, मैं आपकी शक्ल देख के समझ गया था कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, और रिजेक्ट तो मैं आपको तभी कर गया था. अच्छा सर. लेकिन क्या, अभी सीरीज खत्म की है मैंने, तो मैं फ्री बैठा हूँ, तो कैंडिडेट्स का इंटरव्यू अब करने का पड़ेगा थोड़ा सा टाइम पास. जी सर. चलिए बताइए, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? म्यूजिक, स्कूबा डाइविंग और स्पोर्ट्स में मेरी खास रुचि रही है सर. अच्छा. म्यूजिक, तो फिर आप क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते हैं? जी सर, क्लासिकल म्यूजिक तो ठीक है. मैं मान लेता कि आप स्कूबा डाइविंग का भी शौक रखते हैं, अगर आपने स्कूबा की स्पेलिंग एल से नहीं शुरू की होती. बहुत बड़े एल हैं आप. शुक्रिया शुक्रिया. स्पोर्ट्स में क्या रुचि है आपकी? सर कहने के लिए तो मैं फुटबॉल कह देता हूँ, मगर मुझे चौराहे पर जुआ खेलना पसंद है सर. 30 डालो 60 निकालो. दिन भर में अगर 60 भी निकल गए ना, तो एक चपटी का बंदोबस्त हो जाता है सर. That's really impressive. So tell me, according to you, what is the importance of discipline in company? सर, डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना सर. बिल्कुल बिल्कुल. सिर्फ ऑफिस में, कंपनी में नहीं सर, घर में भी होना चाहिए सर. मेरे घर पे तो पूरी स्ट्रिप है सर. हाँ, अगर सर दर्द दिए तो एक डिसिप्लिन लेना. मेरी माँ कहती है कि अगर गुनगुने पानी में अगर आप डिसिप्लिन मिक्स करके लो ना, तो तुरंत असर करती है सर. शॉकिंग. तो सर आप दो लीजिए, दो डिसिप्लिन, तुरंत असर हो जाएगा. यू नो, समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप अपने फाइनल ईयर तक पहुंचे कैसे. मेहनत सर. अच्छा. बहुत ज्यादा मेहनत पड़ी घूस खिलाने में सर. मैं जानता था व्हेन यू एंटर्ड, मैंने देखा कि तुम्हारा और इंटेलिजेंस का दूर दूर तक कोई लेना नहीं. आई सॉ दैट. चलिए अगला सवाल पूछ लेता हूँ सर. थोड़ा इजी इजी पूछिएगा सर, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आए. हाँ जी. अरे नॉट एट ऑल. अभी तो तुम्हें और जलील होना है. सर सच में आप डूब मरो सर. Now tell me, what according to you is the best projection for our company? सर, प्रोजेक्शन तो बहुत बड़ा होना चाहिए सर. बिल्कुल.
बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा कि अगर आप प्रोजेक्शन छत पे लगाओ तो पूरा मोहल्ला बैठकर फिल्म देखनी चाहिए सर। इतना बड़ा प्रोजेक्शन होना चाहिए। सर और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर प्रोजेक्शन सोनी का होना तो क्लियरिटी अच्छी होगी सर। क्या बात, क्या बात है, वाह वाह वाह। सी आई गेट योर पॉइंट, आप बेरोजगार ही नहीं चापलूस भी हैं, चाटुकार भी हैं। अरे सर, चिरकुट चप्पल छाप। थैंक यू सर। है आपके अंदर? जी जी सर। यू नो आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस लाइक ऑक्सफर्ड, स्टैनफर्ड, येल, हार्वर्ड, घाटकोपर, कासर वडौली, नेरल, वाशी, और मैं तरह तरह के लोगों से मिला हूँ जो गवार हैं। सर आपकी शक्ल से पता चल रहा है आप ऐसे लोगों से मिलते हो। बट आप सिर्फ गवार नहीं है, यू आर वे डिफरेंट। आप जाहिल हैं। आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? आपकी कुर्सी पर सर। Why not? But it's a very tough job, my boy. It's a very tough job. You know, हमारी कंपनी जो है वो एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट बनाती है। अच्छा, लेट मी शो यू। हाँ, ये डायपर कमाल है सर। कम कम माय बॉय। पिछले 10 साल से हम लोग नंबर 1 डायपर बनाने वाली कंपनी बनना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैं जानता हूँ बन नहीं सकते, क्योंकि ये जो हमारा डायपर है ये बड़ा ही रद्दड़ थूक पट्टी माल है। तो अगर आप इसे बेच के दिखा सकें, हाँ हाँ, तो कमाल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बेच के दिखाएं। अगर आपसे नहीं बिका जाए तो फिर इसका मतलब है कि नौकरी तो मैं आपको वैसे भी देने वाला हूँ नहीं। लेकिन अगर आपने बेच लिया तो फिर आपका आइडिया कल मैं मीटिंग में सुनाऊंगा, क्रेडिट खाऊंगा और ऊपर वाली पोस्ट पे जाऊंगा। यू नो आई एम अ मैन ऑफ मेनी क्रेडिट्स गिवन बाय मेनी अदर पीपल। क्या बात है सर, बड़े ही कमीने किस्म के इंसान हो सर आप। सो हियर्स द प्रोडक्ट। हाँ, आप मुझे बेच के दिखाइए। जी, एक्सक्यूज मी सर। सर ये एक डायपर नहीं है सर, इसके अनेक यूज है सर। जैसे कि आप ये यहां पर लगा सकते हो और क्रिकेट खेल सकते हो सर। अगर आप इसकी क्वालिटी देखोगे तो 4-5 डायपर अगर साथ में लगा लिए तो इसकी आप तकिया बना सकते हो सर। और अगर 50-60 डायपर आपने लगा दिए तो इसका गद्दा बन सकता है। और गद्दे पे अगर आप सो गए तो रात को वॉशरूम के लिए उठने की जरूरत नहीं है सर। सर एक महत्वपूर्ण फायदा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 2 धग्गे बांध दीजिए, कान को लगा दीजिए, इसका मास्क हो जाएगा सर। मगर कंडीशन एक है कि डायपर अनयूज्ड हो। मेरा ये करने का बिल्कुल मन नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। अरे सर मुझे बताइए, हाउ डू यू टेक रिजेक्शंस? सर पहले मुझे बहुत डर लगता था मगर अब आदत हो गई है सर। पहले मैं सर सिर्फ कमर पे लेता था, अभी हाथ पे भी ले लेता हूँ सर। रिजेक्शन 5 साल पहले 14 रिजेक्शन लिए थे पेट पे सर, कुत्ता काटा था मुझे। तो फिर आप इसे अपना 15वां रिजेक्शन मानिए। मतलब ऑल द बेस्ट, पूरी गारंटी है मुझको कि आपको कहीं कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ओह माय गॉड सर, क्या मैं आपके पैर पकड़कर आपको गाली दे सकता हूँ? प्लीज प्लीज, ऑफ कोर्स सर। ट्रक के नीचे कुचल के मरो सर। और मैं चाहूंगा कि उस ट्रक के ड्राइवर आप ही हो, ताकि आप भी जेल जाके सड़ो। अरे सर भाड़ में जाइए सर, भाड़ में जाइए। जी सर निकल। इतनी ऑनेस्टी, इतने प्यार से, इतनी स्माइल के साथ, इतने स्वीटली, इतनी नीचता भरी बातें कैसे कर लेते हैं आप दोनों? जैसे हर्ष करता है। मतलब टू गुड गाइस। खली सर क्या लगता है आपको? बिल्कुल, इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह जो डायपर बेचे है कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ऐड किया आपने। मैडनेस की जो है महफिल वो आगे बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और क्या बेहतरीन परफॉर्मेंसेज हो रही है सर, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत जबरदस्त,
बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार, क्या बात है यार, और मजा आ गया, मजा आ गया। सर ऐसा लग रहा है आपके गले में चार अमरीश पूरी है। अब 80 लाख का बिल बनाया अंडे का तो लगना ही है फिर। 80 लाख का, 80 लाख का। क्या बात है सर, बहुत लेजेंड है सर हमारे, हमारी हमारी जो रेसलिंग इंडस्ट्री है इंडिया की, उसके लेजेंड है, बाहर की भी लेजेंड है। और हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि सर हमारे यहाँ, हमारे देश में आपने जन्म लिया है। 27 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और 28 अगस्त तक हो पाया था। पैदा होते ही सर 10th के एग्जाम देने चले गए। बाकी बच्चे पैदा होते हैं ना तो डॉक्टर उनको गोद में लेके आता है, जब खाली सर पैदा होते ये डॉक्टर को गोद में लेके आया था कि मैं हुआ हूँ। इनके मोहल्ले में बहुत काम आते हैं, मतलब ये, मतलब इनके जो मोहल्ले के लोग हैं वो इनको जो है ना वो लैंडमार्क की तरह यूज करते हैं, मैंने देखा है। मतलब आप करनाल से यहाँ तक आए हो, हमें दिखे हो आते हुए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, लोग पूछते हैं अरे खाली सर दिखाई दे रहे हो, कहते हैं हाँ बस उन्हीं के घुटने के नीचे हूँ मैं आज। इतने स्ट्रांग है, दीवार पे थूकते हैं दीवार पे सीलन आ जाती। एक बार अपने मोहल्ले में छींक दिया था, दो बच्चे बह गए थे। हाँ वो बच्चे आज मैडनेस मचा रहे हैं, उनका नाम इंदर और कुशल है। कपड़े सिलवाने गए, टेलर नाप ले रहा था इनके, उसने थोड़ी देर बाद हाफ के बोला इनसे कि नहीं नहीं तुम लॉन्ग वीकेंड पे आया करो, तुम्हारा नाप एक दिन में नहीं। एक दिन जू में गए थे, जिराफ घबरा गए थे, कह रहे ये कौन है जो हमारे से आंखों में आके डाल के बातें। सर बस इतना ही था, 7-8 पंच लिख के लाए थे। सर क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? नहीं बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छा बताया आप। मैं कब से बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे हो, आपको हंसी आ रही है हमारे जोक्स पे, हमारे रोस्ट पे, लेकिन एक बंदा हमारे पास ऐसा है जिसको देख के आपको गुस्सा आ जाता है और आज दोबारा आ जाएगा। ऐसा कौन है? हमारे पास ओवरटेकर है सर, आपके लिए आया है परितोष एज ओवरटेकर। अंडरटेकर सुंगड़ कैसे गया ये? बरसात में ऐसे कीड़े निकलते सर हमारे। क्या हिंदी, हिंदी इंग्लिश बॉबी देओल। कोनी मुंह में कोनी डाल के खोल दोगे? ओवरटेकर हो गया पूरा, हो गया। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हाउ आर यू बेबी, वेयर आर यू? लगता है गहरा काट दिया। मैं हूँ ओवरटेकर। वाह वाह, नाइस। मैं ओवरटेकर हूँ क्योंकि मैं हाईवे पे गाड़ियां ओवरटेक करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ मुझे जेल में क्यों डाला? ये तुम्हारी जुल्फे हैं जेल। जब ही आए हैं तो मुझे क्यों बुलाया? महाबली खली, आपने मेरे भाई का अंडा तोड़ा, उसका बदला लेने आया है ये चूजा। लगता है कि अब आपके अंडे तोड़ने पड़ने वाले। अगर है हिम्मत तो हो जाए दो दो हाथ। I'm challenging you. I'm challenging you. आप अपने मोबाइल पे, मैं अपने मोबाइल पे। ऐसे नहीं लड़ने वाले। ये हटा, बांध लेता हूँ, ठंड भी बहुत है। कितने स्ट्रॉन्ग है वो, कितने स्ट्रॉन्ग है और बहुत बड़े आदमी है। पंगा ले रहे उनसे, पागल हो गए तुम?
पिछले 6 महीनों से इनके घर के बाहर भंडारा चल रहा है। हाँ तो अच्छी बात है ना, भंडारा करवाते हैं, खिलाते पिलाते हैं लोगों को। नहीं नहीं, हुआ ये था कि 6 महीने पहले एक दिन का इन्होंने डिनर छोड़ दिया था। तब से इतना बच गया है, गरीबों में बांटा जा रहा है, मिला ना तुम लोगों को भरपूर। बस फिर क्या टेंशन है। खलीफा जी इतने लंबे हैं, पीछे एक बांस हिल रहा था, मैंने पूछा बांस क्यों हिल रहा है, किसी ने बताया कि ये टूथपिक कर रहे हैं अपना टेंशन। इतने लंबे आदमी हैं, एफिल टावर पे धागा डाल के अपनी शर्ट सिल लेते हैं। भैया इन्होंने एक बार बुर्ज खलीफा पे यूं फोटो ली थी ऊपर की तरफ। हाँ ये तो कुछ नहीं, वो पिसा की मीनार वाला बता। अरे वो वाला, वो पिसा की जो मीनार थी वो पहले सीधी थी, फिर एक बार ये लीन कर गए थे उसके ऊपर, तो उसके बाद से वो टेढ़ी ही है। हाँ। लेकिन अजय बहुत खुश है। क्यों? वो बोलते हैं सारी दुनिया टेढ़ी दिखती है, बस यही एक चीज मुझे सीधी दिखाई देती है। ये तो लंबाई की बात है, चौड़ाई बहुत ज्यादा है। लगान पिक्चर देखी है? देखी है। उसका क्रिकेट का मैच देखा है? देखा है। वो कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? पाजी की पीठ पर। और जब गाना आया घनन घनन घिरा है बदरा, वो पाजी को पसीना हुआ था थोड़ा सा। मैंने एक दिन पूछा कि फ्रंट एरिया भी देते हो क्या, तो बोलते हैं वो सिर्फ गोल के लिए, नाभि समेत। पाजी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये लीजिए। क्या देने जा रहे हो? ये बल्ब लीजिए प्लीज। ये क्या है? इसको आप ऐसे लगा के रात को निकला करें, क्योंकि अंधेरे में निकलते हैं फ्लाइटें टकरा जाती हैं आपसे। कुश्ती फिल्म में खलीफा जी और राजपाल जी एक साथ थे, दोनों एक फ्रेम में खड़े होते थे तो लगता था भारत के नक्शे के साथ श्रीलंका चिपका हुआ है। इनको पार्टी में एक बार कोई लेके चला गया, ये मजे से गुलाब जामुन खा रहे थे, फिर गुलाब जामुन छुड़वाया गया। क्यों क्यों? गुलाब जामुन वो अनुपम जी का सर था यार। पाजी एक चीज करना है इनके साथ। क्या? वो नापते हैं एक बार। क्या स्ट्रेंथ नापनी है उनकी? आइए उठवाओगे साथ में? फालतू के ओवरटेकर बने इसे। ये नहीं उठ रहा है और कह रहा है शो उठाऊंगा। लोग कहते हैं सनी पाजी का हाथ जो है सबसे भारी है, 2.5 किलो का है। तो आज हम लोग बताना चाहते हैं कि उनसे भी भारी किसी का हाथ है। इसमें आ रहा है पर्ची निकली उसमें सर, देखिए जरा। ये देखिए इसमें पर्ची निकली। अरे रे रे रे। दूर होके बताऊंगा, पास से कौन बताएगा। कृपा करके एक एक करके चढ़े। इस दिन के बाद से तेल के रेट महंगे हुए हैं। इस वाले पंजे पे इतना ज्यादा तेल है कि अमेरिका किन पे नजर है, इतना ज्यादा तेल उन्होंने इकट्ठा कर लिया। पाजी सेम तेल मुझे लगता है वो ग्रेट खली ढाबे में यूज। हाँ उसमें क्या करते हैं, कढ़ाई में यूं कर देते हैं, भटूरे तल जाते हैं। पाजी माफ करना, सॉरी गलती से निकल गया, मैं मुंह से निकल गया। उधर खड़ा हो जा। एक मजाक करने का भी एक तरीका होता है, एक निबिट होती है। एक तो क्या बकवास कर रहा है? ये कोई मतलब शो पे बुलाया बेइज्जती कर रहा? देख जैसे लगाओ बल्ब तेरे। हाँ लगाओ क्या? सॉरी पाजी, मैं तेरे को सोचा तू तो बढ़िया होना, मतलब तू भी मेरे उसके साथ हंसी ज्यादा दान निकाल रहा है, एक्ट का पार्ट था। पाजी 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 आजा फिर बल्ब लगाता हूँ तेरे को। भाजी सॉरी भाजी, आजा चलो बल्ब लगाता हूँ तेरे को। सॉरी भाजी सॉरी भाजी सॉरी भाजी सॉरी भाजी सॉरी भाजी, आए बेटे मैं नहीं कर रहा, कटवा दूंगा मैं भाजी, सॉरी मैं कटवा दूंगा। आजा
पाजी मैं कटवा दूंगा, नहीं आएगा टीवी पे। पाजी सॉरी। आया बेटे आया। पाजी मैं बहुत बढ़िया। तू सोचा कि तेरे को कॉमेडी आती है? लव यू ब्रदर, लव यू। अच्छा दोस्तों ये ऐड था सिर्फ, मैंने कहा आप लोग कॉमेडी कर सकते, मैं नहीं कर सकता फिर। ओहो मौत की कॉमेडी। डार्क डेथ ह्यूमर। दोनों आपके पैरों के बीच से निकल जाएंगे। सॉरी सॉरी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आपने तो कॉमेडी और एक्शन दोनों दिखा दिया। जोरदार तालियां फॉर द ग्रेट खली। ग्रेट खली को सबने रेसलिंग रिंग में लड़ते हुए तो देखा है, लेकिन बीसी ने भंगड़ा पाते हुए अभी तक टीवी पे नहीं देखा है। तो अगर एक हो जाए तो हम सब तैयार है सर, बीच में एकदम आप यही रहो सर, मत जाओ। एक बार हो जाए। हुमा जी खाली सर, आजकल ना एक शब्द मार्केट में बहुत चल रहा है, मोटिवेशन, मोटिवेशनल स्पीकर, हर कोई मोटिवेट कर रहा है, लेकिन हो कोई नहीं रहा उनसे मोटिवेट। ये वही लोग हैं जो सेमिनार में 3 महीने में लग्जरी कार कैसे खरीदे ये बताते हैं, और सेमिनार खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स को ही कह रहे होते हैं कि मुझे बेटा जरा रेड लाइट तक छोड़ दोगे, मुझे बस पकड़नी है। ऐसे ही दो फर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स फंस गए हैं ऐसी जगह पर जहां इन्हें खुद मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। तो प्लीज वेलकम परितोष एस विवेक बैंड्रा एंड केतन एस सोदी महेश्वरी एंड हिमांगी एस एयर होस्टेस। नमस्कार देवी और सज्जनों, चिंदी एयरवेज में आपका स्वागत है। मुंबई से दिल्ली की ये यात्रा आप सिर्फ 26 घंटे में पूरी करेंगे। एक मिनट, 26 घंटे क्यों? 24 घंटे में तो ट्रेन पहुंचा देती है। नहीं, क्योंकि हम अनट्रेन्ड हैं। अगले महीने से हमारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो 24 घंटे में पहुँचा देंगे। अब ज्यादा बोला ना तो अंदर से मैं कोयता लाएगी। आपातकालीन द्वार में बैठे यात्री से अनुरोध है कि वो द्वार से सट के ना बैठें, क्योंकि ये द्वार कभी कभी आपातकालीन स्थिति पैदा कर देता है। कल ही ये एक यात्री समेत खुल के उड़ गया था। आइए आप अपनी सीट पे बैठिए, उनको ना कहें वो ऑलरेडी उड़े हुए हैं। सीट बेल्ट लगाइए, एक ही है। अब हम जलपान की सेवाएं शुरू कर रहे हैं। जल आप घर से पी के आए होंगे और पान सीट पॉकेट में रखा हुआ है। धन्यवाद। क्या बात है? लगता है इनका बोल के हो गया है, अब मैं शुरू करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, आसान है, आसान है, आसान है। नहीं 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 नहीं, अरे आसाम नहीं है सर, दिल्ली है हमारा डेस्टिनेशन। अरे घोंचू, मैं कह रहा हूँ आसान है, सहज सरल सीधा लीनियर स्ट्रेट। अरे सर इतनी हिंदी नहीं आती। हिंदी अगर नहीं आती है तो मतलब आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, और मोटिवेशन की कमी को मैं पूरा करता हूँ, बिकॉज माई नॉलेज इज सो डीप दैट मेरा नाम इज सो डीप महेश्वरी। तो मेरे साथ आपको कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ बोलना है आसान है। बोलिए आसान है, आसान है, सब कुछ खुदरी तरबुल। क्या पकड़ू? तूने अपना मुंह चंद्रचूड क्यों कर लिया है? अरे सर डर लग रहा है सर, लगता है पायलटवा बहुत ज्यादा ही इंट्रेंड है। अरे पायलटवा का प्रॉब्लम हुआ आपका प्रॉब्लम हुआ नहीं है। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आपको ये ट्रेनिंग पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। अब आप प्रभास की फिल्म देखने जाते हैं तो क्या आप प्रभास से पूछते हैं
कि क्या उसने ट्रेनिंग ली है? नहीं। जब हुमा जी यहाँ पर कॉमेडी पे कमेंट करती हैं तो आपने कभी उनसे पूछा कि वो ट्रेंड है? नहीं। तो जब 700 करोड़ की फिल्म, 1000 करोड़ का ये टीवी शो अनट्रेंड लोग चला रहे हैं तो फिर ये तो 350 करोड़ का प्लेन है, इसमें डिपेंडेंसी पायलट पर क्यों रखनी है? मेरा आप कोर्स करिए जिससे आपका डर भाग जाएगा और आप सब कहेंगे आसान है, और मैं अपना कोर्स जो है कुछ लोगों से बहुत कम पैसों में कर देता हूं। ये बकवास कर रहा है, चल बैठ। ये बकवास कर रहा है, मेरे साथ बोलिए आई कैन वन मोर टाइम, आई कैन आई विल बाउंस बैक। अरे लेकिन आप हैं कौन, मुंह पे थूक कर रहे हैं? मैं थूक के मुंह गीला कर देता हूँ, स्याही फेंक के आसमान नीला कर देता हूँ। मैं सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरा नाम है विवेक बैंड्रा। ये डर के बारे में क्या बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा कुछ आसान सवाल, आपको देना है उसका आसान जवाब। मेरे साथ बोलिए, गाय दूध देती है यस और नो? यस यस। नो, निकालना पड़ता है, वो स्कूटी थोड़ी है कि सेल्फ मारेगी। मेरे साथ बोलिए, डर के आगे जीत है। चीख है, कभी डर के देखना गोचू। डर को ऑब्जेक्ट बना लो, डर को ऑब्जेक्ट बना लो। तुझे आई चको वन मोर टाइम, तुझे आई चको। मैं कह रहा हूं, देखिए कब से बोल रहे हैं कि बाउंस बैक। मैंने खुद देखा है, पुलिस अपना डंडा इनके बैक पे बाउंस कर रही थी और पब्लिक चिल्ला रही थी वन मोर टाइम। वैसे तो सदीप सर की आवाज मेरे सामने निकलती नहीं है, पर लगता है इन्होंने मेरा ही मोटिवेशनल वीडियो देख लिया है। हुमा, नदी के उसके पार एक छोटा सा डैम है, बिजनेस चलाने के नाम पर चलाते हैं, बहुत बड़ा स्कैम है। जग्गूदा ने मुझे गिफ्ट में दिया बनियान ट्री है। आज से मेरा लाखों का कोर्स आप लोगों के लिए फ्री है। आप मेरा कोर्स करिए जो कि आसान है। मेरा कीजिए आसान है। यात्रियों से निवेदन है, कि वो अपना संयम ना खोए। माना बिगड़ा विमान का विज्ञान है, लेकिन सोडीप सर कहते हैं सब आसान है। चुप। क्या हुआ? आसान है बोल के मसान पहुंचाओगे तुम लोग। मैं सच कहता हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए करता हूँ, बाकी मेरा असली काम तो बहाने देना है। सर, बैंड्रा सर, आपका मुंह नाला सोपरा जैसा क्यों हो गया है? और आपको तो पसीने छूट रहे हैं, और पसीने पैंट से क्यों छूट रहे हैं? लगता है जिस डर को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऑब्जेक्ट लीक हो रहा है। मैंने कहा था ना, डर के आगे चीख है। अरे सर ऐसे क्या कर रहे हैं? याद कीजिए आपकी वीडियोस देख कर पुनर्जन्म पांडे फिर से जी उठी थी। अरे वो मेरा वीडियो बंद करने के लिए उठी थी, बोलती है बंद करो ये डकैती, क्योंकि जो मैं मोटिवेशनल स्पीच के नाम पे करता हूँ वो है दिन दहाड़े डकैती। अरे सूट आए थे यार बंदू। अरे एक सेकेंड सुनो, मैं भी मोटिवेशनल कोट्स ना इंटरनेट से उठाता हूँ, वहीं पे ट्रांसलेट करता हूँ, आपको सुनाता हूँ और कहता हूँ आसान है। देखो आपने कि ये कैसे फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स अपनी मासूमियत का फायदा उठाते हैं। इन लोगों से बचने के लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए, सिर्फ 99,999। धन्यवाद। मैडम वो आपका कोयता कहाँ है? अंदर है, मैं लेके आती हूँ। हाँ, और सुनिए ना, थोड़ी सी गर्दन दे दीजिए अपनी। क्यों? क्योंकि मैं काटूंगा तुझे। इन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी तीनों ने मिलके। इनकी खुद की खुल गई हैं।
इनकी जितनी कपटी कहानी थी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी. बहुत मुश्किल है ये चीज कर पाना एंड आप तीनों ने बहुत 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 अच्छा किया. मुझे तो बहुत मजा आया. मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है जो एक्टिंग करी है हिमांगी और केतन परितोष. बहुत ही अच्छा एक्ट किया और मैंने बहुत एंजॉय किया. एक बार जोरदार तालियां परितोष भाई के लिए, केतन भाई एंड हिमांगी. प्लीज डैडी थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल एक्ट. वैसे एक बात तो सच है कि दुनिया की नजरों में आने के लिए ना दुनिया से अलग हटके दिखना जरूरी. क्या बात है, मतलब क्या मेरे भाई ऐसे घुमा घुमा ये क्या तू चाबी भरवाता है, कोई बंदा रखा हुआ है खुद भर रहा है क्या है तेरी? नहीं ये चाबी मेरी गर्लफ्रेंड ने भराती. लेकिन भाई ये सेट पे इनको इनवाइट नहीं किया गया था. क्यों? एक्चुअली हवा इस तरफ की थी इसलिए भाई साहब आ गए. भाई आपने जो ऐसे ऐसे से किया ना कमाल का बैलेंस है. जोरदार ताली उस टोपी के लिए जिसने. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या बात. तो करो जिम वगैरह जाया करो, जिम मत किया करो, वहां जाके 5-5 किलो के डंबल की जगह यूज हुआ. अरे ये बेड पे सोए रहते हैं ना, नींद खुल जाती उठते नहीं है, बोलते पहले पंखा बंद करो. हवा इतनी भारी पड़ती है. भाई साहब कुशल के पास आपके लिए एक जॉब है. क्या जॉब है कुशल बताएंगे? सर मेरी घड़ी बंद पड़ी हुई है, आप सेकंड काटा बन के आओगे क्या? अगर आप मुझे टाइम बना सकते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज. क्या बात है, क्या बात है सर. वाओ. संदीप शादी हुई आपकी? नहीं शादी का सोचा नहीं. कोई है लड़की यहाँ पे सिंगल जो शादी करना चाहती है संदीप से? किसको करनी जिंदगी तबाह. सिंगल हो? डेट करी हो किसी को? ओहो मुबारक हो. क्या नाम है आपका? सुष्मिता. सुष्मिता की संदीप लो. बट थैंक यू सो मच, हम नहीं चाहते तुम्हारे सब कुछ बुरा हो. जा. तू कहाँ जा रहा है भाई, तेरी तो टांगे खोल ली. दोस्तों मैडनेस मच रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस मैडनेस को आगे बढ़ाते हैं. अरे अरे हर्ष हर्ष एक मिनट. हाँ जी क्या हो गया? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ. बताइए ना, बोलिए. खली सर आपको पता है जब भी मुझे अपनी एंटरटेनमेंट को थोड़ा बढ़ाना होता है ना तो मैं एक काम करती हूँ, आपके पोस्ट पे जाती हूँ और आपके जो मैड फैंस हैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ. आप लोगों को पढ़ने? यस. तो आइए कुछ वीडियोस देखते हैं जो आपने पोस्ट किए और उसके नीचे आपके फैंस के कमेंट्स पढ़ते हैं. सर जोर से गुड मॉर्निंग बोल के पूरे देश को उठा दो. अली सर को शर्माते हुए पहली बार देख रहा हूँ. अगला बढ़े. सर आपकी शर्ट दे दीजिए, बहन की शादी में टेंट लगाना है. सर माँ कसम मैंने नहीं लिखा है कभी. दूसरा फोटो दिखाइए. कमेंट है सर ढकार मार के भूकंप ला दो. मैंने वही तो बोला था यार. तो ये तूने लिखा है? नहीं नहीं ये मैं, अरे नहीं नहीं मैंने नहीं लिखा है सर. ये इसलिए लिखा था. ओके नेक्स्ट. पहली बार ठेली पे संतरे डरे हुए देखे. संतरे डरे हुए? संतरे घबराए हुए सर. सर मंगल और प्लूटो का भी जूस निकाल दो. मेरे को तो शक हुमा पे ही हो रहा है. मुझ ऐसा तो नहीं उन्होंने लिखा है, खुद लिख के हमें पढ़ा रही है. प्लीज मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ. बट सर आप जब भी ऐसे कमेंट्स पढ़ते हो तो आप भी पढ़ के हंसते हो मजे लेते हो? जो फैन को मैं कभी रोक नहीं सकता, मतलब ये ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं तो मैं मतलब पढ़ने ही छोड़ दिए. मैंने कहा जो बोलना है किसने बोलो. बहुत सारे ऐसे जो कमेंट कोई देखते हैं, मतलब पूरा मतलब एक एंटरटेनमेंट करते हैं अपने आप. सर आपकी वीडियोस भी तो ऐसे ही होती हैं, नॉर्मल आदमी एक बैट से दो हाथ से क्रिकेट खेलता है, फिर कोई और होता होगा वो एक हाथ से क्रिकेट. सर हाथ से क्रिकेट खेलते हैं भाई, आज अब नहीं बोलेंगे मैंने देख लिया. बहुत सारे लोग ऐसे भी है ताम झाम लेके बढ़िया कैमरा के भी कब डालनी है रील. मेरा कोई पता नहीं कि मैं कब 12 बजे रात को डालू या 2 बजे रात को डालू. मैं नहीं सोचता कि क्या कैसा दिख रहा हूँ क्या है, मतलब बस डाल ली बस ठीक है. और मेरे हिसाब से लोग मेरे को ऐसा ही पसंद करते हैं. बहुत कम लोग हैं जो वाकई अपने खानदान का, अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं. सो यू रियली आर एन इंस्पिरेशन. थैंक यू सो मच. खली भाजी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा. जोरदार तालियां एक बार प्लीज खली सर के लिए. थैंक यू बोलना चाहूँगा सारे कोई, मतलब
जो कॉमेडी देखता हूँ बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगा है आज मैं यहाँ पर आया आप लोगों से सब स्टार लोगों से मिला हूँ। मैं तो एक पहलवान हूँ रेसलर हूँ लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा है आपके साथ। तो लेते हैं आपसे विदा, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, मैडनेस बचाएंगे, इंडिया को हंसाएंगे, सुनाई चमककर कल फिर मिलते हैं। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।